हरियाणा के राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में छात्राओं के एमएमएस कांड को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। सिरसा में बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में पहुंचे कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि बहन बेटियों की इज्जत करना और उन्हें पूरा सम्मान देना यही हमारी संस्कृति है और हमारे समाज का भी यही कर्तव्य बनता है। उन्होंने कहा कि पहले तो ऐसी घटना होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर होती भी है तो उसे बढ़ावा देने वाली हर चीज से दूर रहना चाहिए। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैंने अपने सोशल मीडिया से भी ये ट्वीट किया था और फेसबुक पे कमेंट किया था कि हमारी भी बहन बेटियां हैं और हमें भी चीज़ों का संज्ञान रखना चाहिए कि हमारे को बहन बेटियों की तरह ही इस मैटर को ट्रीट करना चाहिए। और मैंने ये भी किया था कि लोग इस ऐसे मैसेज को फॉरवर्ड ना करें। पहली बात तो है कि ऐसे दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। जो भी उसके संचालक है उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसी घटना होती है तो समाज के प्रति हमारा भी एक दायित्व बनता है कि हम बहन बेटियों का की इज्जत का मान रखें और अपनी तरफ से जो चीज़ हो सके उसको रोकने का काम। उधर इस दौरान कार्तिकेय शर्मा ने भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट हत्याकांड को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि परिजनों की मांग पर अब इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है और उन्हें पूरी उम्मीद है कि सीबीआई जांच में हत्याकांड के एक एक सच्चाई जरूर सामने आएगी। जिस तरह की सोनाली फोगाट की हत्या हुई, काफी खुलासे हो रहे हैं, सीबीआई जांच भी रेफर हुई है, सीबीआई जांच पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है, किस तरह लगते हैं पूरे एपिसोड को लेकर आप? देखिए, अब तो खैर ये जांच सीबीआई को सौंप दी गई है, तो जो मांग आ रही थी सीबीआई को, मेरे को लगता है उचित मांग थी और सीबीआई को जांच करनी चाहिए थी और जल्दी तथ्य सामने आ जाएंगे। जो भी फैक्ट्स हैं उसी के बाद फैसला, कुछ कहा न जाना उचित रहेगा इसके ऊपर। बता दें कि हरियाणा से निर्दलीय चुनकर राज्यसभा पहुंचे कार्तिकेय शर्मा ने इस मौके पर साथ देने वाले तमाम विधायकों का भी आभार जताया और खासकर चौटाला परिवार के विधायक का तो नाम लेकर धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि अभय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, नैना चौटाला और रणजीत सिंह चौटाला ने खुलकर उनका साथ दिया है और इसके अलावा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में भाजपा भी साथ खड़ी रही। सिरसा से सतनाम सिंह, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।